बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर एमएस वर्ड का स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड 2007। ठीक है, तो चलें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे ऊपर जो टॉप पे, ये आप देख रहे हो, ये लाइन यहाँ पे जो लिखा है डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये एक तरह का टाइटल होता है, ठीक है। हमारा कोई भी चीज़ हम लोग जब भी लिखते हैं या बुक्स में आप लोग देखोगे, स्टार्ट होने से पहले टाइटल दिया होता है ना, तो एमएस वर्ड का भी ऊपर ये देखें, एमएस वर्ड का टाइटल दिया हुआ है। टाइटल क्या है? डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ ना ही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और ना ही उसको सेव किया हुआ है। अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेव कर लेते हैं फाइल की शक्ल में, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट की जगह पे क्या होता है, हमारा नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। देखें, ये देखें, ये जो रेड से मैंने दिया है यहाँ पे बॉक्स हाईलाइट जो किया है, डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। ये देखें, ये जो बॉक्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम होता है कि जो भी, जैसे हम लोग फाइल को सेव करते हैं ना, सेव, सेव एज, ओपन, ये सब कहाँ पे करते हैं कि ऑफिस बटन में जाके करते हैं या फाइल में जाके करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो होते हैं उसके शॉर्टकट दिए होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रीडू है, अंडू है, और यहाँ पे बुलेट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे, ये ड्रॉप जो दिया हुआ है, ये देखें, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, सेव, ओपन, न्यू, है ना। तो अगर आप लोग इसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये चीज़ ऐड हो जाएगी। देखें, जैसे मैंने न्यू को क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे न्यू आ गया, है ना। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, नेक्स्ट जो है, ये हमारा जो गोल्डन कलर का सर्कल दिख रहा है, हाईलाइट भी मैंने किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन या जनरली लैंग्वेज में हम लोग इसको फाइल भी बोल सकते हैं, जैसे नोटपैड और पेंट, नोटपैड और पेंट के अंदर फाइल में हम लोग फाइल के अंदर सेव, सेव एज, न्यू ऑप्शंस होते हैं ना, वैसे ये ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन जो है, ये एक तरह का फाइल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, इसी के अंदर हम लोग अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज का। तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, सेव, सेव एज, प्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए, ये देखें, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं विंडोज़ कंट्रोल। ठीक है, यानी ये जो तीन बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो है इस विंडो को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं तो विंडो को क्लोज करना तो इसी से कर सकते हैं, अगर हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो इसी से करेंगे, और मिनिमाइज़ करना चाहें तो भी इसी से करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं विंडोज़ कंट्रोल। यहाँ पे देखें, तीन बटन दिए हुए हैं। पहला बटन जो यहाँ पे माइनस का जो दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज़, और जो सेंटर में बॉक्स में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम रीस्टोर या मैक्सिमाइज़, और यहाँ पर जो क्रॉस का दिया हुआ है, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। ठीक है, तो तीन होते हैं यहाँ पे हमारे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसके क्या यूज़ होते हैं, देखें इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि मिनिमाइज़ कर देना, यानी ये जो पूरी विंडो है, ये जो पूरी विंडो है आपके सामने दिख रही है, इसको पूरा क्या करना है, मिनिमाइज़ कर देना है। ठीक है, ये पूरी विंडो ख़त्म हो जाएगी, ये स्मॉल में आ जाएगी। देखें, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ मिनिमाइज़ पे, ये देख, यहाँ पे ये विंडो यहाँ पे आ गई। ठीक है, वर्ड का यहाँ पे लोगो टाइप का दिख रहा है, तो ये चीज़ जो है विंडोज़ जो है मिनिमाइज हुई है। अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखें ये ओपन हो गई। रीस्टोर करना चाहते हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है कि जब हम विंडोज़ ओपन करते हैं, वर्ड ओपन करते हैं, तो ये स्मॉल में आता है, यानी फुल शेप में नहीं आता है बल्कि हाफ शेप में आता है। देखें, जैसे इस टाइप में आता है। ठीक है, ये देखें, अगर इस टाइप में आया तो आप क्या करोगे, इसको मैक्सिमाइज करोगे, तो यहाँ पे ये बॉक्स जो आ रहा है, रेक्टेंगल जिसको हम लोग बोल सकते हैं,
इस पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये देखो अपनी फुल शेप में ये आ गया, और ये है क्लोज़ बटन। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरी विंडो जो है वो क्या होगा, क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था विंडोज़ कंट्रोल का। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये देखें जी नेक्स्ट आता है हमारा ये ऑप्शंस, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टैब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा ये, देखें यहाँ से लेके जो बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है, पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, है ना, इस सब को क्या बोलते हैं, ये सब को हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बोलेंगे रिबन। ये ऊपर वाला जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था होम, इंसर्ट, ये इसको बोलते हैं टैब, और इसके नीचे जितने भी ऑप्शंस रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट आता है हमारा ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। ठीक है, कौन सा रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक, ठीक है, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये है हमारा वर्टिकल रूलर। ठीक है, वर्टिकल रूलर। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा ये देखें, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसको अप डाउन करेंगे तो ये विंडो जो है वो अप डाउन होगी इसके ज़रिए से। ठीक है, ये बटन जो है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्रॉल बार। कौन सा स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल बार जो है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ठीक है, और नीचे जो यहाँ पे दिया होगा ये देखें, ये जो है ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये देखें, ये यहाँ पे पार्ट वन, पेज वन ऑफ वन, वर्ड ज़ीरो, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, यानी यहाँ पे लैंग्वेज का दिया हुआ है कि लैंग्वेज कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट की है। वर्ड कितने दिए हुए हैं, ज़ीरो वर्ड, अभी कोई भी वर्ड नहीं है। पेज कौन सा है, वन पेज है ऑफ वन पेज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। और दूसरा जो बोलते हैं, दूसरा एक और बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटस बार। देखिए अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ FAT far of the, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे चेंज हो रहा है, वर्ड जो है कितने हैं, 3 वर्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये बटन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू बटन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू बटन, और इसके बाजू में जो बटन दिया हुआ है ये देखें, इसको हम जूम इन एंड जूम आउट इससे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जूम टूल। देखें अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँगा तो ये विंडो जो है वो जूम होगी, ये देखें दिख रहा है आप, और अगर इसको मैं माइनस करूँगा तो ये देखें माइनस होती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये था आज हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग फुल इसकी इन्फॉर्मेशंस जो है वो आपके सामने पेश करेंगे, यानी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, यानी स्कूल लेवल के जितने भी आपके इम्पोर्टेंस चीज़ें इसमें हैं वो सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं और कौन कौन से तरीके से सेव करते हैं। एक ही तरीका आप लोग जानते होंगे कि सेव फाइल में गए और सेव एस की और
फाइल को डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। दूसरा आप लोग जानते होंगे कि कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस किया और फाइल को सेव कर दिया। लेकिन और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए से हम लोग फाइल को अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।